फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फ्रॉड्स ऑन क्विकर। क्विकर ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सस्ते में, क्योंकि सेकंड हैंड होती है इसलिए सस्ते में खरीद सकते हो, मगर इसी क्विकर पे आपको फंसाया भी जा सकता है। जस्ट दो दिन पहले मैं इसी वेबसाइट पे एक DSLR ढूंढ रहा था और मुझे कैनन 800D पे एक अच्छी डील नज़र आई। कैनन 800D एक क्वाइट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा कैमरा है, मगर वही कैमरा मुझे सेकंड हैंड में 16,000 में, मतलब उसका ऐड था 16,000 रुपीज़। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट फिर भी मैंने 15,000 का ऑफ़र दिया सेलर को और सेलर ने ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर लिया। एक दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे अचानक से एक मैसेज आया कि VRR सेलर ऑफ दी कैनन 800D। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो, व्हाट इज़ योर लोकेशन। तो उन्होंने कहा कि USA। तो मैं समझ गया। फिर मैंने कहा ओके ठीक है, व्हाट अबाउट द पेमेंट, मतलब पेमेंट कैसे करेंगे। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि आप हमें सिर्फ 5,000 रुपीज़ पे कीजिए, बाकी के जो पैसे हैं वो हम मतलब आपसे ले लेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे। तो ये 5,000 रुपीज़ डायरेक्टली उनके अकाउंट में पे करने हैं, ना ही कि क्विकर को। तो मुझे तो 100% यकीन हो गया कि ये फ्रॉड ही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सब चैट हुआ था। इससे भी शॉकिंग था क्विकर का एटीट्यूड। जब मैंने क्विकर के कस्टमर केयर को कॉल किया और उन्हें ये सब डिटेल्स बताया, उन्होंने सेलर के बारे में या फिर कुछ एक्शन नहीं लिया, ना ही उस सेलर को बैन किया, नथिंग। सो आई डोंट नो व्हाई क्विकर इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट सच फ्रॉड सेलर। तो गाइस, लालच बुरी बला है। क्विकर या फिर OLX पे अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो प्लीज़ फेस टू फेस ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा सेलर को, आपको चीट भी किया जा सकता है। थैंक यू।